नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, यानी कि उनके द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख नारे और वचन किसके दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगत सिंह के साथ। आपके सामने पिक्चर आ रही है, आप उन्हें देखते जाइए और समझते जाइए। तो सबसे पहले भगत सिंह जी, भगत सिंह की बात करें तो वो बहुत ही विद्रोही स्वभाव के थे, यानी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। बहुत कट्टरपंथी उनका स्वभाव था और उन्हीं के जो आपको एक झलक है वो उनके नारों में देखने को मिलेगी। जैसे कि सबसे पहला है इंकलाब जिंदाबाद, इसी तरीके से दूसरा यानी कि साम्राज्यवाद का नाश हो। वो अपने भारत भूमि को आजाद देखना चाहते थे तो उनके नारे भी कुछ इसी तरीके से थे। अगला है हमारा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे एवं शांति प्रिय नेचर के थे। तो आप देखिए शांति प्रिय ही उनके कैसी झलक देने वाले हैं उनके वचनों में। तो सबसे पहले उनके नारे थे वो है हे राम, दूसरा भारत छोड़ो करो या मरो। वो क्या चाहते थे कि अपने आप ही अंग्रेज क्या है हमारे भारत को छोड़कर चले जाएं। तो वो चाहते थे कि हिंसावादी बिना हुए हम क्या कर सके, अपने भारत को आजाद कर पाए। थर्ड जो हमारा है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या देखेंगे कि बहुत ही अमीर परिवार के साथ इनका उठना बैठना था। तो आप ही देखिए वो क्या समझेंगे, पूर्ण स्वराज्य। क्या समझाना चाहते हैं कि वो अपना राज्य भी कैसा लेना चाहते हैं जो पूर्णतः हो, पूरा, तो पूर्ण स्वराज्य। दूसरा उनका नारा था कि आराम हराम है, यानी कि अगर आपको इसी तरीके से ये कहें कि हमारे देश को आजाद करना है तो आपके अपने आराम को गंवाना पड़ेगा। और तभी के उनका नारा किस तरीके का है, आराम हराम है। साथ ही उन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक नारा दिया जो कि है Who lives if India dies, यानी कि अगर भारत ही खत्म हो गया तो कौन जिएगा। तो अगला देखिए आपका है सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है, और उनके नारों में वो क्या देखने को मिलता है, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो एक फौजी का स्वभाव होता है कि वो अपने देश को आजाद करने के लिए अपना खून पसीना बहा देता है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथ ही इनका नारा था दिल्ली चलो, यानी दिल्ली की ओर बढ़ो और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दो। आगे आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि क्या है, वेदों का प्रचार करने वाले हैं। उनका एक ही वचन था कि वेदों की ओर लौट चलो, यानी वेदों की ओर लौटो। आगे देखिए सिक्स पॉइंट जो कि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र में आपको भारत छिपा हुआ नजर आ रहा है, इनके नाम में ही भारत है। तो इनके वचन क्या थे, भारत हिंदी, हिंदी हमारी भाषा, हिंदू और हिंदुस्तान। तो इनका नारा है हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान। आगे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी पर। लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान, जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, तो उन सभी उन्होंने क्या किया, सभी जवानों और सभी किसानों को एकत्रित किया और एकजुट होकर इनके विरोध लड़ने के लिए कहा। तो इनका नारा भी कुछ इस तरीके से था कि जय जवान जय किसान। तो आगे आते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे का जो स्वभाव था वो उग्र स्वभाव था। तो उनका देखिए नारा किस तरीके था कि मारो फिरंगी को। वो नहीं चाहते थे कि अहिंसात्मक रूप का इस्तेमाल किया जाए, उन्होंने सीधा ही नारा यही दिया कि मारो फिरंगियों को। तो नाइन्थ पॉइंट देखिए आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा कि इनका नाम इंडिकेट कर रहा है, सरदार यानी कि मुखिया, और मुखिया अपनी प्रजा के लिए हमेशा अच्छा ही करता है। तो उनका क्या था, उनका यह था कि कर मत दो, कर मत दो यानी किसी भी तरीके का टैक्स पे मत करो। तो इनका नारा था कर मत दो। अगला आते हैं दसवें पॉइंट पे जो कि किन के द्वारा दिया गया है, जय प्रकाश नारायण। तो नारायण से आप नारायण भगवान याद रखेंगे और संपूर्ण विश्व के कर्ता धर्ता नारायण भगवान है। तो ये कैसा होगा इनका नारा, आप कैसे याद रख पाएंगे, संपूर्ण क्रांति। तो नारायण यानी संपूर्ण। आगे आते हैं 11 पॉइंट जो कि है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या दिया था, वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। तो आप यहाँ से दोनों चीजें याद रख पाएंगे कि इनका नारा वंदे मातरम, साथ ही साथ इनका राष्ट्रीय गीत भी इनके द्वारा दिया गया है।
बारहवें पॉइंट पे आते हैं श्याम लाल गुप्ता पार्षद, जिनका नारा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। आप इसे कैसे याद रख पाएंगे? श्याम लाल गुप्ता पार्षद को जब आप ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये चार भागों में टूट रहा है, चार नाम अलग अलग, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। इसी तरीके से चार अलग भाग इनके नारे के भी कर लीजिए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो चलिए आगे आते हैं 13 पॉइंट, जो कि है बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक, यानी जब हम क्या है किसी भी युद्ध के लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले माथे पर क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं। तो उनका नारा आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी जब वो अपने अधिकार के लिए लड़े, ठीक है, तो उनका नारा क्या रहा? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो तिलक से आप अधिकार याद रखेंगे। अगला है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने क्या नारा दिया था? कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो चलिए आते हैं 5th पॉइंट पे, जो कि है इकबाल जी के द्वारा दिया गया। तो इकबाल जी ने क्या नारा दिया था? सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। तो आते हैं 6th पॉइंट पे, आप देख पा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके बारे में आप जानते हैं, इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान दिया, जो कि है जन गण मन अधिनायक जय। जनगणमन जन अधिनायक जय जो नारा है वो भी किसी ने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, और जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा दिया गया है। 17th पॉइंट देखिए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का देखना, इन्होंने नारा दिया साइमन कमीशन वापस जाओ, जो कि साइमन कमीशन नवंबर 1928 में भारत आया था, तो उस दौरान इन पर लाठी चार्ज भी हुआ। तो इनका नारा देखिए अगला क्या था? मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार। बहुत अधिक लाठी चार्ज होने पर जब इन पर लाठी पड़ी, तो क्या है उसी के कारण घायल होने पर इनकी मृत्यु भी हो गई। अगला आते हैं जो हमारा आखिरी है, विनोबा भावे। विनोबा भावे विन 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 मतलब जीत, और इनका नारा क्या रहा? जय जगत। जगत पर क्या हासिल करना? जीत हासिल करना। तो अगर आपको नारे समझ आए हो, ट्रिक्स अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।